फिर उसकी लड़ाई समय सरदार रणजोर सिंह मजीठिया फलौर विच सी अते वह अपनी 10,000 फौज के नाल लुधियाने के नेड़े दक्षण वाले पासे अंग्रेजी इलाके दे विच जा धमकिया अते फौजां दीआं कई बारकां उसने साड़ दित्तियां। उस समय सरदार अजीत सिंह लाड़ला भी उसके नाल सी। उस समय अंग्रेजी सिपाहियों ने उस नाल कोई हाथ ना विखाया क्योंकि उस समय अंग्रेजी सिपाही सिखां दा टाकरा करन दे समर्थ नहीं सन। पता नहीं क्यों रणजोर सिंह लुधियाना छड़ के बिना कारण बद्दोवाल आ बैठा। 20 जनवरी नूं हरी स्मिथ ने जगराओं तो कूच किया अते बद्दोवाल जा बैठा अते 21 सवेर बद्दोवाल पुजा तां पता चलता है कि रणजोर सिंह अगे उसका राह रोकी बैठा है। हुण हरी स्मिथ उस नाल लड़ना नहीं सी चाहुंदा तां उसने दक्षण वाले पासे चक्कर कट के लंघना चाहिया। सिखां ने अगे वध के उसते हमला कर दिता तां उसने भी मारी दे अगों टाकरा किया। थकी हुई अंग्रेजी फौज सिखां दे टाकरे अगे खलो ना सकी अते छेती ही लुधियाना वल भज गई। इस लड़ाई विच अंग्रेजां दे 69 आदमी मर गए, 64 आदमी फटड़ होए अते 77 गुम हो गए। कुछ अंग्रेजी सिपाही सिखां ने कैदी बना के लाहौर वल भेज दिते। इस वेले सारे अंग्रेज बड़े घबराए हुए सन अते बहुते अंग्रेजी अफसर जित दी आस ला बैठे सन। गवर्नर जनरल की घबराहट का पता उसके ऐलान तो लग सकता है जिस विच उसने सिख सिपाहियों नूं फौज छड्डन के बदले इनाम अते वड्डियां तरक्कियां देन दा लालच दिता सी अते भगौड़ियां नूं अंग्रेजी राज विच सहायता मिलन दा भरोसा दिता सी। सिख फौज के यूरोपियन अफसर पोर्टनामे अंग्रेज नूं 1827-28 ईस्वी विच बंगालों तोपखाने विचों कढ दिता गया सी। ओह अपना फर्जी नाम ब्राउन रख के भारतीय फौज विच भर्ती हो गया सी। इत्थे ओह तोपची सी अते रणजोर सिंह दी फौज विच सी। हुण ओह लुधियाने अंग्रेजी फौज विच आ गया तां कि मैं अपनी कौम बदले कुछ ना कुछ सेवा कर सकां, पर उसनूं अगों हुक्म हुंदा है कि ओह सिख फौज विच वापस चला जावे अते उत्थे सिख फौज विच रह के अंग्रेजां दी मदद करे। अलीवाल दी लड़ाई विच उसने अपनियां चारे तोपां दा उपर वल नूं मूंह करके बीड़ियां जिन्हां दे गोले अंग्रेजां दी पहुँच तों दूर जा के डिगदे सन। अंत उह चारे तोपां सने जान बुझ के गिरफ्तार हो गया ते अकबर वाले अंग्रेजी कैंप विच उसनूं लियांदा गया। दो होर अंग्रेज अपना नाम बदल के सिख फौज विच भर्ती होए सन जिन्हां दे नाम हन मुहम्मद अते बाइल। इन्हां सारिआं ने सिखां नाल विसाघात कीता। हुण बद्दोवाल दी लड़ाई विच अंग्रेज बुरी तरह हारे सन, इस कारण हरी स्मिथ दी बहुत बदनामी हो रही सी। हरी स्मिथ हार्डिंग दा पुराना मित्र सी, उह किसे बहाने भी अपने मित्र दी बदनामी धोणा चाहुंदा सी। हरी स्मिथ 28 जनवरी नूं सज्जर शाह अपनी फौज लै के लुधियाने वल पलत रहा सी। अलीवाल दे कोल उसनूं सिखां दा इक दस्ता नजरी पिया, शायद रणजोर सिंह दी फौज दा दस्ता सी जो सभरावां वल हट रहा सी। हरी स्मिथ ने उन्हां गिनती दे सिपाहियां उत्ते अपनी सारी फौज नाल हमला कर दिता। सिख गिनती विच बहुत थोड़े सन, सो ममूली झड़प पिछों उह दरिया सतलुज वल हट। इन्नी कु घटना नूं लिखण वालिआं ने हरी स्मिथ दी शानदार जित अते अलीवाल दी घमसान युद्ध लिख छड्डिया है। इन्हां ही दिनां विच सिखां ने एक होर बहुत वड्डी भुल कीती। राजा गुलाब सिंह डोगरा नूं जम्मू तों बुला लिया जांदा है अते पंजाब दा वजीर चुक बनाया। उहदियां वी चिर दियां आसां नूं फल लगण दा समां आ गया सी। उह सरदार जवाहर सिंह दे समें तों ही अंग्रेजां नाल चिट्ठी पत्र लिखदा आ रिहा सी कि जेकर अंग्रेज उसनूं पहाड़ी इलाके दा सुतंत्र महाराजा मन लैन तां उह पंजाब लैण लई अंग्रेजां दी मदद कर सकता है। फिर शुरू नवंबर सन 1845 विच उसने अपना एक आदमी भी अंग्रेजां वल भेजिया कि सिख तुहाडे उत्ते हमला करन दी सोच रहे हन, पर मैं दिलों तुहाडे नाल हाँ ते जेकर लोड़ पई तां मैं तुहाडी मदद भी करांगा। हुण दसो इहो जिहे आदमी कोलों नेकी दी की आस हो सकती है।
चार्ल्स गव ने इसकी बड़ी ढुकवी तस्वीर खिंची। वो लिखता है कि इस विच कोई शक नहीं कि गुलाब सिंह बड़ा लायक आदमी है। जिहो जिहा उसका भरा ध्यान सिंह डोगरा सियाना सी, यह भी बिल्कुल प्रगट है कि गुलाब सिंह भी पत्थर दिल अते अपने निजी लाभ का ध्यान रखने वाला हाकम है। अलीवाल की लड़ाई के पिछों लाल सिंह अते तेज सिंह सिख फौज सने दरियावों चढ़दे पासे लंघ गए। उस वेले अंग्रेजी फौज की जां अंग्रेजां की हालत बड़ी खराब सी। उन्हां कोल जंगी समान कोई नहीं सी अते फौज इधर उधर खिलरी पई सी। जेकर सिख जरनैल अंग्रेजी फौज का जंगी समान जो दिल्लियों आ रहा सी उसनू लुट लेंदे ते अंग्रेजां की खिलरी फुलरी फौज उत्ते हमला कर देंदे तां अंग्रेजां की जरूर हार हुंदी। पर यह गल्लां ही सन जो सिखां दे देश धरोही जरनैल नहीं चाहुंदे सन। हुण राजा गुलाब सिंह की वजारत सिखां लई डुबदे नूं तिनके दा सहारा बराबर सी। जेकर उह चाहुंदा तां इस लड़ाई नूं लम्मा कर सकदा सी, पर इस विच उसनूं कोई लाभ नहीं सी। अंत उस सबराई पुछदा है, उन्हें तां पहलां हारी हुई फौज नूं बुरा भला किया कि उन्हां बलवान गवांढी नाल क्यों लड़ाई छेड़ी है, ते फिर अंग्रेजां नाल सौदाबाजी शुरू कर दित्ती। गवर्नर जनरल यह गल सुन के बहुत खुश होया कि सिख जरनैल सुलह वास्ते राजी हैं, क्योंकि वह समझदा सी कि पंजाब नूं छेती नाल फतेह कर लेना सौखा नहीं है, ते जे सिखां नूं हुण भी कोई लड़ाउण वाला हुंदा तां ते उहदे नतीजे बाबत भी कुछ कहना औखा हुंदा। बद्दोवाल की अधूरी जिही जित ने हिंदुस्तान दे शहजादियां ते मनां ते होर ही ख्याल पैदा कर दिते सन, तां इस लंबी जंग का असर होना भी जरूरी सी। सिखां ते अंग्रेजां दे लीडर इस जंग नूं छेती खत्म करना चाहुंदे सन। सो राजा गुलाब सिंह डोगरा ते लार्ड हार्डिंग विच इक गुप्त समझौता होया। अंग्रेजां ने गुलाब सिंह नूं पक्का कर दिता कि वह लाहौर विच सिखां दी बादशाही कबूलन लई तैयार हन, पर इस तों पहलां सिख फौज सिख लीडर अपने फौज नूं बेहथियार कर दे। मगर राजा गुलाब सिंह ने अपने आप नूं फौजां नाल इस तरह करन दे असमर्थ कहा, क्योंकि खालसा फौज उस उत्ते अते महाराजा रणजीत सिंह दे होर शुभ संतकां ते बड़ा भारी रोब रखदी सी। इस मजबूरी नूं उसने जाति गर्ज वास्ते बड़ा वधा के दस्या। दोहां धिरां ने यह फैसला किया कि अंग्रेज सिख फौज ते हमला करन अते जदों ओह बुरी तरह हार जाण तां लाहौर दरबारों सिख फौजां नूं कढ दिता जावे, सतलुज दे राह विच कोई रुकावट ना होवे अते लाहौर वाले सड़क ते जेतू अंग्रेजां वास्ते खुली होवे। इस तरह कूटनीति अते बेशर्मी दे जाल विच फस गए सभरावां दी लड़ाई लड़ी गई। लीडरां दी बदनीति करके पहलियां चार लड़ाइयां विच सिख फौज कुछ घट मरी, कुछ सिपाही फटड़ होए अते कुछ अमृतसर जा वड़े। जो बाकी बचे वह सारे रल मिल के 20,000 फतेहगढ़ के मैदान में आ इकट्ठे होंदे हन। इत्थे दरिया के खब्बे पासे उत्ते खब्बे कंढे उत्ते सिखां ने एक कच्चा मोर्चा बनवाया। पहलियां लड़ाइयां वांग सिपाहियां ने सब कुछ किया, पर जरनैलां ने कख ना किया। सिखां कोल 200 जबूरके ते 67 तोपां बाकी बचियां सन। जबूरके मोर्चे के अगले पासे दुश्मन वाल भीड़े हुए सन, ते दूर मारू तोपां दरिया के पिछले पासे कंडे ते कच्चियां थड़ियां उत्ते टिकाईयां हुई सन। विचकार बेड़ियां का पुल बद्धा होया सी, जिस दी राखी तेज सिंह दी फौज कर रही सी। इस तरह मोर्चाबंदी करके सिख अंग्रेजां नाल लड़ाई करन लई मर मिटन दी ठान के अंग्रेजां दी उड़ीक कर रहे सन। सरदार शाम सिंह अटारी वाला जंग दियां खबरां रोज़ सुनता रहिंदा सी। मुदकी ते फेरू शहर दी लड़ाई विच सिखां दी हार होई उस नूं कंडे वांग रड़क रही सी। उधरों महाराणी जिंद कौर दी उस नूं चिट्ठी पहुंची, जिसने बिना अगों भांबड़ मचा दित्ते। चिट्ठी विच दोहां लड़ाइयां दा वेरवा अते सिख फौज दी हार दा कारण साफ साफ लिखे हुए सन। होर जगीरदारां वांग सरदार शाम सिंह अटारी कोल भी अपनी निजी फौज सी। उह देश दी आजादी बचाउण लई अपना आखिरी जतन करन लई अपने मुट्ठी भर फौज लै के सभरावां नूं तुर पिया। राजा गुलाब सिंह नाल गुप्त समझौता होण करके अंग्रेजां दे हौसले
बहुत बज चुके सन। 9 फरवरी नूं दिल्ली तो नवा जंगी समान वड्डियां तोपां जिन्हां नूं हाथी खिंचदे सन ते कुछ सज्जर शाह फौज आ रही सी। 8 फरवरी नूं हरी स्मिथ भी गफ नूं आ मिलदा है, सो उन्होंने नवे हमले की तैयारी कर दी। 9 फरवरी नूं सारा दिन उन्होंने तैयारी करदियां लंघा दिता। 10 फरवरी 1896 ईस्वी नूं अजे सवेरे सूरज निकलने वाला सी कि अंग्रेजां ने अपनियां तोपां नूं जा अग विखाई। अगों उत्तर विच सिखां ने भी बड़े गोले दागे, दोहां पासियां तों अग वरन लगी। 3 घंटे लगातार तोपां दी दोहां पासियों अग वरदी रही, पर कोई भी पासा अपने पैरां तों ना हिलिया। पिछलियां 4 लड़ाइयां विच अंग्रेज सिखां दी बहादुरी वेख चुके सन। सिखां दा रोब गोरा फौज अते देसी फौज दोहां दे दिलां ते बैठा होया सी। हुण गफ ने अपनियां 4 पलटणां जो बिल्कुल नवीआं सन, जिन्हां ने अजे तक सिखां दे हाथ नहीं सी वेखे, उन्हां नूं सिखां नाल लड़न लई अगे इकट्ठियां भेजियां। सब रॉबर्ट डिक ने इस 4 पलटणां लै के सिखां उत्ते हमला किया। तोपां दी मार ने बाही विच इक पाड़ पा दिता। गुस्से होए सिखां ने ओह अग वराई के रॉबर्ट डिक नूं वापस मुड़ना पिया, जख्मी हो गए। सिखां ने अपना मोर्चा जो जिस विच पाड़ पै गया सी ओह उन्हां ने फिर बना लिया। हुण अंग्रेज़ वार वार हमला करदे अते सिखां दी फौलादी कंध नाल टक्कर खा के वापस मुड़ पैंदे। इस समय लाल सिंह अपनी फौज नाल बिना किसी नूं दस्सिआं भज गया। थोड़ी देर बाद तेज सिंह भी अपनी फौज नूं नाल लै के बिना किसी नूं कारण दस्सिआं भज पैंदा है। तो भजदा भजदा जांदिआं जांदिआं बरूद नाल भरियां बेड़ियां दरियाज विच डोब जांदा। जो पुल सिखां ने दरिया उपर बन्निया सी ते जिसदी राखी तेज सिंह कर रहा सी, ओह उस विचों 2 बेड़ियां डोब के पुल भी तोड़ गया। जरनैलां तों सखणी फौज घबरा उठदी है। सिख लड़न वाले सन पर लड़ाउण वाला कोई नहीं सी। इन्ने नूं तोपचियां वल्लों सारे दुहाई फिर गई कि नवीआं पेटियां खोलियां अते उन्हां विचों सरों अते रेत दे सिवा कुछ नहीं निकलिया। हुण की कीता जावे, सामणी बाही दे जबूर के खाली पै सन। बंदूकचियां नूं बरूद मिलना बंद हो गया सी। दरिया दे पिछले पासे पीड़ियां दूर मारू तोपां दे कोले अंग्रेजां दे उपरों लंघ के बहुत दूर टिकदे सन, क्योंकि उन्हां तोपां दे चलाउण वाले मुसलमान सन जो तोपां दे मूँह उच्चे करके चलाउंदे सन तां कि दुश्मन दा कोई नुकसान ना हो सके। अंत यह तोपां भी हौली हौली चलनों बंद हो गई। इन्ने नूं विरोधी फौज 2-3 थावां तों सिखां दी फौज विच सिखां दे किले विच शामिल हो जाती है। सिख भी अगों खिलरन एन इस मौके सरदार शाम सिंह अटारी वाला मैदान विच आ जाते हैं। चिट्टा नरूनी दाड़ा चिट्टी पोशाक विच सज्जा सरदार शाम सिंह अटारी वाले सफेद घोड़े ते सोभ रहे सन। वह मोर्चे की हालत वेख के हैरान रह गए। शहीदी तो बिना होर दरवाजे बंद हो गए सन। वह कौमी परवाना अलख का पुतला खालसा फौज नूं मर मिटन लई इस तरह ललकारन लगा। सरदार शाम सिंह अटारी वालियां नूं वेख के सिपाहियां विच नवी जिंदगी आ गई। घबराए हुए सिपाही फिर मर मिटन वास्ते तैयार हो गए, पर अफसोस इन्हां दा इह जोश अते उदम किसी लेखे ना आया, क्योंकि बरूद बिल्कुल मुक चुका सी ते नवीआं पेटियां विचों बरूद दी थां तेज सिंह दी गदारी कारण सरों उत्ते रेत निकल रही सी। हुण सिख फौज वास्ते 2 राह रह गए सन, जां तां कायरां वांग अंग्रेजी फौज अगे हार हथियार सुट देण जां सूरबीरां वांग लड़ के शहीद हो जाण। जित दी आस जांदी रही सी। शाबाश गुरु गोबिंद सिंह जी दे नादी सपुत्रां दे चुफेरियों दुश्मनां दीआं संगीना अते बंदूकां नाल घिरिया होया। किसी सिख ने भी हथियार रख के अपने प्राणा की भिख्या नहीं मंगी, सगों हर थां वैरियां दा टाकरा करते रहे। सरदार शाम सिंह ने ललकार के कहा, खालसा जी हुण वेला है कि तुसीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे अमृत की शक्ति विखाओ। मौत तुहाडे सामने मूँह अड्डी खड़ी है। पिछले पासे खूनी दरिया है ते अगे दुश्मन दियां काल रूपी तोपां अग वरसा रही हैं। अपनियां तोपां ते बंदूकां बरूद खुणों खाली पईआं हन।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸੰਗਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ 50 ਨੰਬਰ ਪਲਟਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਫ਼ਾ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਬਰੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਸਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨੱਠ ਉੱਠਾ। ਪਰ ਨੱਚਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ 200 ਜਬੂਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ 13 ਮਰੇ ਅਤੇ 101 ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 320 ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਅਤੇ 2063 ਆਦਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।